बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप सो यू ऑल विल बी फाइन। टुडे आवर टॉपिक इज ऑक्सिलरी वर्ब्स, इट्स अ टाइप्स ऑफ वर्ब। इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस टू टाइप्स ऑफ वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड मॉडल वर्ब्स। एट फर्स्ट वी विल डिस्कस ऑक्सिलरी वर्ब्स। व्हाट इज ऑक्सिलरी वर्ब? ऑक्सिलरी वर्ब किस वर्ब को कहते हैं? कौन सा वर्ब जो है ऑक्सिलरी वर्ब कहलाता है? ऑक्सिलरी मीन होता है हेल्पिंग वर्ब्स, सपोर्टिव वर्ब्स जो होते हैं वो हमारे कहलाएंगे ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स को हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, नोन एज हेल्पिंग वर्ब्स विच आर यूज विद मेन वर्ब्स, जिन्हें यूज किया जाता है मेन वर्ब के साथ टू एक्सप्रेस द फॉर्म ऑफ टेंस इन अ सेंटेंस। किसी सेंटेंस में टेंस की फॉर्म को एक्सप्रेस करने के लिए कि कौन सा टेंस यूज हो रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो रहा है, प्रेजेंट पास्ट हो रहा है या प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज हो रहा है, टेंस की फॉर्म को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स विद मेन वर्ब्स टू फॉर्म ऑफ टेंस, मूड या वॉइसेस। ठीक है, किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए हम ये यूज करते हैं इन अ सेंटेंस, टू एक्सप्रेस द फॉर्म ऑफ टेंस इन अ सेंटेंस। तो ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स। फर्स्ट है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड द सेकेंड वन इज मॉडल ऑक्सिलरीज। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन से होते हैं? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स में हमारे पास तीन वर्ब आ रहे हैं। यू कैन सी हियर, फर्स्ट हमारे पास है वर्ब बी, सेकेंड है हमारे पास हैव एंड थर्ड वन एंड द लास्ट वन इज डू। बी, हैव एंड डू, ये तीनों हमारे हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। बी में हमारे पास अब फॉर्म आ जाती है, जब हम बी यूज करेंगे इसमें हम आ जाते हैं इज, आर, एम, वाज, वर, बीन एंड बीइंग। ये हमारे पास है बी फॉर्म ऑफ वर्ब्स, जिनमें हम इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं सेंटेंस के मुताबिक। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो हम इज आर एम यूज कर लेंगे। अगर पास्ट है हमारे पास, पास्ट में कंटिन्यूस आ गया, पास्ट परफेक्ट आ गया, पास्ट इंडेफिनिट आ गया, कोई भी आएगा तो उसमें पास्ट इंडेफिनिट में हम यूज कर रहे हैं वाज और वर। देन हमारे पास बीन है, हैव बीन, हैज बीन, ठीक है, कोई भी आ जाएगा। बी फॉर्म ऑफ वर्ब बीइंग भी हमारे पास यूज होता है। ठीक है, तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग इनमें से हम जो है यूज करेंगे। ही इज ईटिंग राइस, ही इज ईटिंग राइस, वो चावल खा रहा है, वो राइस खा रहा है। यहाँ पे कौन सा टेंस यूज हो रहा है? ईटिंग। देखें, ईटिंग कंटिन्यूस का आई एन जी जहाँ पे आ जाए आप समझिए कि वो कंटिन्यूस है, जारी है वो काम, वो खा रहा है। क्या खा रहा है? राइस खा रहा है, इज। ठीक है, इज यहाँ पे क्या है हमारे पास? प्राइमरी ऑक्सिलरी है हमारे पास, इज बी फॉर्म ऑफ वर्ब है और ईटिंग यहाँ पे क्या है? खाना खा रहा है। तो इज यहाँ पे क्या है? इज वर्ब है और इसको सपोर्ट कौन कर रहा है, सॉरी, ईटिंग जो है हमारे पास मेन वर्ब है और इसको सपोर्ट कौन सा वर्ब कर रहा है? इज इसको सपोर्ट कर रहा है। इज हियर आ एन ऑक्सिलरी वर्ब, इज यहाँ पे हमारे पास प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है जो कि मेन वर्ब को सपोर्ट कर रहा है, मेन वर्ब से पहले आ रहा है। ही इज ईटिंग राइस और ये कौन सा टेंस है यहाँ पे? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, इज, ठीक है, प्रेजेंट को शो कर और ईटिंग आई एन जी यहाँ पे कंटिन्यूस को, ठीक है, वर्ब के साथ आई एन जी की फॉर्म आ गई। तो ही इज ईटिंग राइस, वो खाना, वो चावल खा रहा है। तो इज यहाँ पे क्या है? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, बी फॉर्म ऑफ वर्ब है, ईटिंग खा रहा है, ठीक है, ये मेन वर्ब है। नेक्स्ट देखेंगे दे वर प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहे थे। वर यहाँ पे क्या है हमारे पास? पास्ट टेंस की बात हो रही है, वर था, थी, थे, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है। दे वर प्लेइंग, वो खेल रहे थे। प्लेइंग यहाँ पे क्या है? कंटिन्यूस भी है ये, और प्ले यहाँ पे हमारे पास क्या है? मेन वर्ब है जिसको सपोर्ट कर रहा है। ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हमारे पास है वर। दे वर फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहे थे। और किस टेंस की बात हो रही है? पास्ट इंडेफिनिट की, यहाँ पास्ट, सॉरी, पास्ट कंटिन्यूस की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें से मैंने दो एग्जांपल ली, इसी तरह आप आर भी ले सकते हैं। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहे हैं। ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहा था। इसी तरह बीन और बीइंग का आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हैव।
हैव इज अ सेकेंड प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है. हैव यहाँ पे यूज हो रहा है जिसमें हम हैव की फॉर्म यूज कर सकते हैं. हैव, हैज, हैड और हैविंग, इन तीनों को हम यूज कर सकते हैं. और एक और चीज आपने जो याद रखनी है, हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो हम यूज करते हैं, ठीक है. दे हैव डन देयर होमवर्क, वो अपना काम मुकम्मल कर चुके, वो अपना होमवर्क जो है घर का काम मुकम्मल कर चुके हैं, ठीक है. तो यहाँ पे दे हैव डन देयर होमवर्क, हैव यहाँ पे क्या है ऑक्सिलरी वर्ब है और डन यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, मीन्स ये मेन वर्ब के तौर पर काम कर रहा है. नेक्स्ट है ही हैज कम्प्लीटेड हिज टास्क, वो अपना काम मुकम्मल कर चुका है, ठीक है. हैज यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है और कम्प्लीटेड हमारे पास क्या है, थर्ड फॉर्म है हमारे पास. हैज और हैव के साथ हमने थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, हैड के साथ ऑटोमेटिकली थर्ड फॉर्म हम यूज़ करते हैं, ठीक है. कम्प्लीटेड क्या है, वर्ब है यहाँ पे, ठीक है. नेक्स्ट आप देखेंगे थर्ड हमारे पास है डू, डू के साथ हम डू देखेंगे आप लोग. डू के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, डज, डिड, डन और डूइंग, ठीक है. इनको सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम यूज़ कर रहे हैं. अगर इंडेफिनेट का यूज़ हो रहा है तो डू डज आ जाएगा, पास्ट का यूज़ हो रहा है तो डिड आ जाएगा, ठीक है. पास्ट में ही हम जो है डन यूज़ करते हैं और इंडेफिनेट हैव और हैज के साथ भी हम जो है ये थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं. एक चीज़ पहले यहाँ पे देखिए, समटाइम्स यूज्ड एज मेन वर्ब, ये तीनों जो हैं, इन तीनों की मैं बात कर रही हूँ, बी, हैव और डू की, ये तीनों जो हैं यूज होते हैं एज अ मेन वर्ब. बाज औकात क्या होता है, ये एज अ मेन वर्ब यूज हो रहे थे. आम तौर पे अमूमन आपने देखा कि ये मेन वर्ब से पहले यूज हो रहे हैं, लेकिन बाज औकात क्या होता है कि एज अ मेन वर्ब भी रोल प्ले कर रहे होते हैं किसी भी सेंटेंस में. लाइक दैट देखिए, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है. इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं हैव ही जस्ट एक वर्ब है, उसके अलावा ऑब्जेक्ट आ गया हमारे पास, आप पेन, एक पेन रखते हैं, ठीक है. लेकिन हमारे पास कोई मेन वर्ब यहाँ पे कोई मीन्स वर्ब नहीं आ रहा जिसको ऑक्सिलरी वर्ब जो है सपोर्ट करे. तो यहाँ पे हैव जो है ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, हैव यहाँ पे क्या है एज अ मेन वर्ब जो है वो काम कर रहा है. इसी तरह नेक्स्ट, ही इज स्मार्ट, ये मैंने हैव वाले में से लिया और बी वर्ब में से देख लें, ही इज स्मार्ट, वो होशियार है, वो तेज है. इज यहाँ पे एज अ मेन वर्ब ही यूज हो रहा है. नेक्स्ट डू में से एग्जाम्पल ये, ही डिड इट, डिड यहाँ पे एज अ मेन वर्ब यूज हो रहा है. तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जो एज अ मेन वर्ब भी किसी सेंटेंस में यूज हो सकते हैं और एज एन एक्सिलरी भी. ऑक्सिलरी कब यूज होंगे, तो जब आप देखेंगे कि दो वर्ब यहाँ पे यूज हो रहे हैं किसी सेंटेंस में, जो पहला वर्ब आ रहा होगा उसमें से आपने नोट करना है कि बी है, हैव है या डू है, इन तीनों में से अगर कोई है, इनकी फॉर्म्स में से आप देख लेंगे कोई है, तो फिर क्या होगा, वो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होगा, वरना वो क्या होगा, जस्ट वन वही यूज हो रहा है तो वो एज अ मेन वर्ब ही यूज हो रहा होगा किसी सेंटेंस में, क्योंकि कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए हमें वर्ब की जरूरत तो होती है. तो डू थर्ड की मैं बात कर रही थी, डू में आ गए हमारे पास डज, डिज, डिड, डन और डूइंग. अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हम यूज करते हैं. आप देखेंगे, डू यू हैव अ कॉन्फ्लिक्ट विद दैट टाइम, डू यू हैव, डू यहाँ पे क्या है, हैव रखना मेन वर्ब से पहले आ रहा है, मेन वर्ब को सपोर्ट कर रहा है. तो डू यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है हमारे पास. नेक्स्ट देखेंगे, डज ही प्ले फुटबॉल, क्या वो फुटबॉल खेलता है, तो डज यहाँ पे क्या है, प्ले यहाँ पे मेन वर्ब आ गया जिसको सपोर्ट कर रहा है. डज यहाँ पे क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, कौन से वाला, प्राइमरी, ठीक है. ही डिड नॉट राइट द बुक, उसने किताब नहीं लिखी थी, तो डिड यहाँ पे एज अ यूज हो रहा है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर, ठीक है. और राइट लिखना मेन वर्ब. तो ये थे हमारे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स. इसका एक रूल देख लें, टू शो वेदर एन एक्शन इज कंप्लीट, कंटिन्यूअस और हैबिचुअल. क्या करता है, किसी एक्शन को टू शो करता है वेदर एन एक्शन की, क्या कोई एक्शन इज है कंप्लीट है, कंटिन्यूअस जारी है, हैबिचुअल आदि, ठीक है. और कंप्लीट कहते हैं मुकम्मल को. तो ये किससे पता चलेगा, आपको सेंटेंस से पता चलेगा कि सेंटेंस क्या है. आप देखेंगे, ही हैज कंप्लीटेड वंडरफुली, उसने शानदार तरीके से कंप्लीट किया अपना वर्क, काम ले लें, कुछ भी ले लें, ठीक है. तो यहाँ पे हैज कंप्लीटेड, एक तो चीज आप ये नोट करेंगे, हैज और हैड के साथ हैव के साथ थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म होगी आ गई, और ये क्या है, सेंटेंस कंप्लीट है. तो ये सेंटेंस जो है हमारा कंप्लीट है.
और ही इज परफॉर्मिंग वंडरफुली. परफॉर्मिंग में आप देखेंगे आई एन जी यूज किया जा रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या है, आई एन जी है. ठीक है, आई एन जी मीन ये अभी जारी है, तो ये कौन सा टेंस है, ये कंटिन्यूस है हमारे पास, अभी ये कंप्लीट नहीं है, कंटिन्यू है ये. ठीक है, तो ये कंटिन्यूस भी है. ही डजंट परफॉर्म वंडरफुली, वो अच्छे तरीके से शानदार तरीके से परफॉर्म नहीं करता. तो यहाँ पे ये कौन सा सेंटेंस है, इसकी हैबिट को शो किया जा रहा है. अगर वो अच्छे तरीके से करता है तभी उसकी हैबिट, अगर नहीं करता तभी उसकी हैबिचुअलिटी को शो करता है. हैबिचुअल जो है यहाँ पे उसकी हैबिट को शो कर रहा है, तो सेंटेंस हमारे पास क्या है, हैबिचुअल है. ठीक है, ये तीन चीज़ें आपने माइंड में रखनी है कि सेंटेंस को अकॉर्डिंग टू सेंटेंस जो है हम इसमें वर्ड्स जो है इसमें वर्ब्स यूज करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वन हमारे पास है नंबर टू पे मॉडल एक्सिलरीज. मॉडल एक्सिलरीज में आपने देखने हैं कि क्या कौन से होते हैं मॉडल एक्सिलरीज. सेकेंड टाइप है ये ऑक्सिलरी की, हमारे पास वर्ब्स डेट आर यूज बिफोर ऑर्डिनरी वर्ब्स. ऑर्डिनरी वर्ब्स मीन्स किसी सेंटेंस में जब हम कोई वर्ब यूज कर रहे होते हैं, एज अ मेन वर्ब जो है वो हम यूज कर रहे होते हैं, उससे पहले ही आते हैं. ठीक है, टू एक्सप्रेस डिफरेंट मीनिंग्स. डिफरेंट मीनिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए वो मीनिंग्स हो सकते हैं, सच एज परमिशन, इजाजत, पॉसिबिलिटी, मुमकिन है वो काम हो या ना हो. ठीक है, एबिलिटी, काबिलियत के लिए, नेसेसिटी, ज़रूर ही हो वो काम, सर्टेनिटी, यकीनन. ठीक है, ऑब्लिगेशन, किसी भी फर्ज या ड्यूटी के लिए. ठीक है, तो ये डिफरेंट मॉडल ऑफ मॉडल एक्सिलरीज हैं और डिफरेंट तरह से ही ये यूज़ की जाती हैं. किस, और ये पहले यूज़ होती हैं मेन वर्ब से पहले इनको यूज़ किया जाता है, ऑर्डिनरी वर्ब से पहले इनको यूज़ किया जाता है. किन चीज़ों का एक्सप्रेस करने के लिए, परमिशन है, पॉसिबिलिटी है, एबिलिटी, सर्टेनिटी, ठीक है, कैपेसिटी, ऑब्लिगेशन वगैरह को. ठीक है, इसकी एग्जांपल्स देखें. मॉडल वर्ब्स, मॉडल एक्सिलरीज या मॉडल वर्ब्स होते कौन से हैं, मे, माइट, मस्ट. ठीक है, विल, वुड. आप ये भी कह सकते हैं कि मे माइट की सेकंड फॉर्म क्या है, मस्ट है, विल की, वुड है जब हम पास्ट में यूज़ करते हैं, लेकिन ये डिफरेंटली यूज़ किए जाते हैं. शेल जो है इसकी शुड आ गई, शेल अलग से परफॉर्म कर रहा है, शुड अलग से परफॉर्म कर रहा है एज एन मॉडल एक्सिलरीज. कैन है भी इसकी कुड, ऑट, एट्सेट्रा. ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द टेक्स्ट दे आर यूज इन. टेक्स्ट पे डिपेंड करते हैं कि इनको कैसे यूज किया जाएगा इस सेंटेंस में. ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास जो ऑक्सिलरी मॉडल एक्सिलरी आ रहा है, मॉडल वर्ब आ रहा है, वो हमारे पास है कैन. कैन सकना इंडिकेट्स वन्स एबिलिटी और कैपेसिटी. किसी भी शख्स की, किसी की भी एबिलिटी को शो करने के लिए, किसी की भी काबिलियत को बताने के लिए हम इसको यूज करते हैं कि वो ये काम आया, वो काम ये कर सकता है या नहीं कर सकता. एंड टू एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ पॉसिबिलिटी और परमिशन. और इसको यूज किया जाता है पॉसिबिलिटी के लिए भी और परमिशन के लिए भी. ठीक है, परमिशन इजाजत लेना और पॉसिबिलिटी वो काम हो सकता है या नहीं. ठीक है, आई कैन रीड, मैं पढ़ सकता हूँ. आई कैन राइट, मैं लिख सकता हूँ. यहाँ पे देखिए ये शो कर रही है एबिलिटी को, ये सेंटेंस शो कर रहे हैं एबिलिटी को, कैपेसिटी को, कैपेबिलिटी को शो कर रहे हैं. नेक्स्ट है शी कैन अटेंड द शो, वो शो अटेंड कर सकती थी. सेंटेंस से ही आपको शो हो जाएगा कि वो एबिलिटी को शो कर रहे हैं या पॉसिबिलिटी को शो कर रहे हैं, परमिशन को. शी कैन अटेंड द शो, वो शो अटेंड कर सकती थी. ठीक है, शी कैन वॉच मूवी, वो मूवी देख सकती थी. मीन्स पॉसिबल है, वो देख भी सकती थी और नहीं भी देख सकती थी. ठीक है, तो शी कैन अटेंड द शो, ये क्या चीज क्या शो कर रहे हैं, शी कैन अटेंड वो कर सकती थी, ये पॉसिबिलिटी को ये सेंटेंस शो कर रहे हैं कि काम हो भी सकता था, वो ये काम कर भी सकती थी और नहीं भी कर सकती थी. नेक्स्ट देखेंगे कैन आई गो, क्या मैं जा सकती हूँ या क्या मैं जा सकता हूँ. मीन्स यूज हो रहा है परमिशन लेने के लिए. ठीक है, हम परमिशन लेने के लिए दो वर्ड्स यूज करते हैं, एक वर्ड हम यूज करते हैं कैन और दूसरा हम मे यूज करते हैं. मे जो है हम यूज करते हैं फॉर्मल वे में, हम यूज करते हैं मे को. ठीक है, मे आई गो, ठीक है, या मे आई कम इन. ठीक है, क्लासरूम में आप एंटर हो रहे हैं, बोल रहे मे आई कम इन. ठीक है, फॉर्मल वे, लेकिन कैन आई गो ये भी फॉर्मल है, लेकिन मे से कम फॉर्मल है. मीन्स ये लेस फॉर्मल है, परमिशन के लिए यूज हो रहा है. कैन आई गो, क्या मैं जा सकता हूं, तो ये परमिशन के लिए है. ठीक है, लेस फॉर्मल है और परमिशन के लिए. नेक्स्ट देखेंगे, अब नेक्स्ट हमारे पास है
मॉडल मॉडल वर्ब में हमारे पास आ रहा है सेकंड नंबर पे कुड, कैन की सेकंड फॉर्म है कुड, सका, जैसे हम कहते हैं कैन सकना, कुड सका, कर सका ये काम, ठीक है। और कुड हैव जब आ जाएगा इसके नेक्स्ट और भी होते हैं, कुड हैव, वुड हैव, ये भी यूज होते हैं, ठीक है। तो कुड हैव यूज होता है कर सकता था मैं ये काम, और कुड का क्या आएगा सका। एक्सप्रेसिंग ए कंडीशन एंड परमिशन, ये भी कंडीशन को या परमिशन को शो करने के लिए यूज होता है, लेकिन इन द पास्ट कुड, ठीक है। ही कुड स्लीप, वो सो सका या वो सो सकता था, ठीक है। यू कुड आस्क हिम, तुम उससे पूछ सके, ठीक है। यू कुड, यहाँ पे ही कुड स्लीप, वो सो सका, ये यहाँ पे शो कर रहा है ही कुड स्लीप, ये भी इसकी कंडीशन को शो कर रहा है, स्लीप हालत, ठीक है। यू कुड अटेंड द पार्टी इफ यू फिनिश योर वर्क ऑन टाइम, तुम पार्टी अटेंड कर सकते थे अगर तुम अपना काम टाइम पर मुकम्मल कर लेते। तो ये किस चीज को शो कर रहा है, ये चीज कंडीशन को शो कर रही है कि अगर कंडीशन तुम बनाते अपने लिए तो तुम ये पार्टी अटेंड कर सकते थे, ठीक है। तो ये सेंटेंस शो कर रहा है कंडीशन को, और ये सेंटेंस हमारे पास शो कर रहा है परमिशन को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मे एंड मे और माइट, मे और माइट का मतलब एक ही होता है, सकना ही, ठीक है, सकता। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, ठीक है। माइट का भी, ठीक है, लेकिन ये कब यूज होते हैं मे और माइट, किस लिए यूज होते हैं। मे मैंने आपको पहले ही बताया कि फॉर्मल वे में परमिशन हासिल करने के लिए हम मे को यूज करते हैं, और टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, और ये दोनों ही मे और माइट यूज होते हैं पॉसिबिलिटीज के लिए, ठीक है, कि ये काम कर सकते हैं, ये काम हो सकता है या नहीं हो सकता। तो इस सेंटेंस के तो इसको समझते हैं, ही मे कम होम, माइट भी मैंने लिखा हुआ और मे भी, तो इस सेंटेंस में आप दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं, दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। ही मे कम होम, वो घर आ सकता है। ही माइट कम होम, इसका भी यही मतलब है, वो घर आ सकता है, लेकिन क्या है, रेयर चांसेस में, जब चांसेस रेयर हो, बहुत ही कम हो, ठीक है, इम्प्रोबेबिलिटी के लिए, ठीक है, जब आपको लगे कि थोड़ा बहुत लग रहा हो कि वो आ सकता है, लेकिन जब आपको श्योर हो जाए तब आपने मस्ट यूज करना है मे और माइट की, हम जिसको सेकेंड फॉर्म बोलते हैं मस्ट, कि वो जरूर उसको आना चाहिए या वो जरूर आ सकता है, इन दोनों के लिए मस्ट यूज करते हैं। लेकिन मे और माइट पॉसिबिलिटीज के लिए, चांसेस के लिए, ही मे कम होम या ही माइट कम होम। नेक्स्ट है वी मे गो फॉर अ मूवी, हम मूवी देखने के लिए जा सकते हैं, ठीक है, हम एक मूवी के लिए जा सकते हैं। वी माइट गो फॉर अ मूवी, हम एक मूवी के लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो मे और माइट यूज हो रहा है पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए, ठीक है। और मे मैंने आपको बताया कि फॉर्मल वे में परमिशन लेने के लिए भी यूज करते हैं। नेक्स्ट मस्ट है, मे और माइट की सेकेंड फॉर्म आ रही है हमारे पास मस्ट, इसका ये होता है कि जरूर आ सकता है और जरूर करना चाहिए, ठीक है ना, जरूरी चाहिए ये चीज। टू एक्सप्रेस नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन, इसी काम के जरूर होने के लिए, नेसेसिटी जरूरी को बोलते हैं, और ऑब्लिगेशन किसी भी फर्ज को निभाने के लिए, ठीक है। वी मस्ट अपनी ड्यूटी सर अंजाम देने के लिए, वी मस्ट लिसन टू हिम, हमें उसे जरूर सुनना चाहिए, ठीक है, जरूर जब आ गए, ठीक है, मस्ट आ गए जरूर, हमें उसे जरूर सुनना चाहिए। ही मस्ट हैव प्लेड, उसे जरूर खेलना चाहिए था, ही मस्ट हैव प्लेड, उसे जरूर खेलना चाहिए था, और वी मस्ट लिसन टू हिम, हमें जरूर सुनना चाहिए। तो मस्ट क्या है, यहाँ पे जरूर के मीनिंग में यूज हो रहा है, नेसेसिटी के लिए यूज हो रहा है, ठीक है, ऑब्लिगेशन के लिए, फर्स्ट के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास शेल और विल, शेल और विल यूज होता है प्योर फ्यूचर के लिए। जब भी हम फ्यूचर टेंस की बात करें कि मैं ये काम करूंगा या मैं ये काम करूंगी, ठीक है, तो हम यूज करते हैं अपने सेंटेंसेस में शेल और विल। लेकिन शेल कब यूज करते हैं और विल कब यूज करते हैं, आई शेल बी फेमस, मैं फेमस होऊंगा, शैल भी रेयर के लिए, मींस आपको पक्का ना हो कि ये होगा ऐसा काम, ठीक है। ही विल सक्सीड, वो जरूर, जब विल जहां पे आ जाए तो मींस उसका मतलब बन जाता है कि वो जरूर कामयाब होगा, ठीक है। ही विल सक्सीड, वो जरूर उसको कामयाबी मिलेगी। गागी उर्दू में और इंग्लिश में शैल और विल फ्यूचर के लिए, ठीक है। शैल जैसे
आई शेल बी फेमस, मैं मशहूर होऊंगा, उसको पक्का नहीं, श्योरिटी नहीं है. जिस चीज में श्योरिटी ना हो वहां पे हम शेल यूज करेंगे, लेकिन जहां पे श्योरिटी आ जाए कि मैं काम जरूर करूंगा तो वहां पे हम विल यूज करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है शुड और वुड. शेल के सेकेंड आ गई फॉर्म शुड और विल की हमारे पास आ गई वुड. और ये यूज कब हम करते हैं, यूज एज द पास्ट टेंस ऑफ शेल और विल. ठीक है, शेल और विल की सेकेंड फॉर्म के तौर पर यूज हो रहे हैं. शुड यूज टू एक्सप्रेस अ कमांड, ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन. ड्यूटी ऑब्लिगेशन फर्स्ट में और कमांड हुक्म देने के लिए. ठीक है, यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए. कमांड हम उसको कह रहे हैं हम लोग कि तुम्हें जाना चाहिए, शुड गो. यू शुड टीच प्रॉपरली, यहाँ पे ड्यूटी के मीनिंग्स में आ गया, यू शुड टीच प्रॉपरली, तुम्हें अच्छे तरीके से पढ़ाना चाहिए. ठीक है, यू शुड टीच प्रॉपरली. नेक्स्ट आई थॉट ही वुड बी हेयर बाय नाउ, मेरे ख्याल में ही वुड बी हेयर बाय नाउ कि वो अब से यहाँ होगा, वुड बी होगा कि मीनिंग में ही आएगा. ठीक है, सेकेंड फॉर्म के लिए यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे. जैसे हम कह देते हैं वुड यू लाइक टू टेक सम, वुड यू लाइक टू टेक टी और कॉफी, वुड यू लाइक टू टेक एनीथिंग, कुछ भी. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास हैज टू और हैव टू और हैड टू. मुझे ये काम करना पड़ा, हैज टू और हैव टू, मुझे ये काम करना पड़ा. और हैड टू क्या है, मुझे काम करना पड़ा था. ही हैज टू प्ले, उसे खेलना पड़ा. ठीक है, आई हैव टू प्ले, मुझे खेलना पड़ा. आई हैड टू प्ले, मुझे खेलना पड़ा था. हम अक्सर यूज करते हैं पड़ा था, ये इसमें कौन सा टेंस यूज करें, तो उसके लिए हम यूज करते हैं हैज टू और हैव टू हम यूज कर रहे होते हैं. ठीक है, और लास्ट में हमारे पास है ओट टू. ओट टू जो है कन्वर्सेशन में अब बहुत ही कम यूज किया जाता है, लेकिन मैं इसका आपको यूसेज बता दूं कि कैसे इसको यूज करते हैं. यूज टू एक्सप्रेस ड्यूटी, किसी भी ड्यूटी को एक्सप्रेस करने के लिए किसी भी सेंटेंस में उसके लिए हम ओट टू यूज करते हैं. यू ओट टू फाइट फॉर योर कंट्री, अपने मुल्क के लिए कोई काम करना एज अ ड्यूटी ही होता है. जैसे यू ओट टू फाइट फॉर योर कंट्री, तुम्हें अपने मुल्क के लिए जो है लड़ना चाहिए. ought to भी चाहिए के मीनिंग में आ रहा है. ठीक है, यू ought to listen carefully, तुम्हें ध्यान से सुनना चाहिए, एहतियात से सुनना चाहिए. We ought to leave now, हमें अब चलना चाहिए. ought to चाहिए के मीनिंग में होता है, यूज होता है. और एक और चीज जो आपने माइंड में रखनी है, ऑक्सिलरी वर्ब्स में मैंने आपको बताया कि हम हैज और हैव के साथ, हैड के साथ, थर्ड फॉर्म ही यूज करते हैं हैज और हैव के साथ, लेकिन यहाँ पे मॉडल वर्ब्स में, मॉडल एक्सिलरीज में, मॉडल वर्ब्स में हम क्या करते हैं, मॉडल वर्ब्स के बाद जो हमारे आते हैं वर्ब्स, उनको उनकी हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. ये चीज़ आपने याद करनी है. सो इट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़.